नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट की जब बात आती है तो इंडिया के अंदर दो ही ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने सेफर कार्स के लिस्ट में कई चार और पांच स्टार्स के साथ अपना झंडा गाड़ रखा है, एक महिंद्रा और दूसरी टाटा मोटर्स। लेकिन टाटा की इन दो गाड़ियों का नाम लिस्ट में नहीं आता है। अब इसका रीजन ये नहीं है कि इनका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि ग्लोबल एनकैप के पास इतने रेटिंग पॉइंट्स ही नहीं हैं जो इनको क्रैश टेस्ट के बाद दे सकें। अच्छा, हमको सिखा दिया है। आपको पता ही है ये मैक्सिमम 5 स्टार रेटिंग्स तक ही दे सकते हैं। लेकिन जब बात आती है टाटा सफारी और हैरियर के क्रैश टेस्ट की तो उनके दिमाग में पहले ये फोटोज आ जाती हैं और इसके बाद ये सोचते हैं कि जितने बजट में हम एक हैरियर या सफारी का क्रैश टेस्ट करेंगे उतने में तो मारुति की 5 गाड़ियां मंगाकर टेस्ट कर देंगे और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम 5 स्टार को 5ों में बांटेंगे तब भी हमारे पास 1-2 स्टार बच ही जाएगा जो लगे हाथ ह्यूंडई और किया में भी बांट देंगे। गजब बेइज्जती है। हालांकि फिर भी किसी तरह हिम्मत करके ग्लोबल एनकैप वालों ने सफारी को क्रैश टेस्ट के लिए मंगा ही लिया और 64 के रफ्तार में भगा कर जैसे ही गाड़ी को लड़ाया पर खच्चे उड़ गए, गाड़ी के नहीं बल्कि क्रैश बैरियर के। अच्छा। अब ये सब देखकर ग्लोबल एनकैप वाले काफी परेशान हुए। उन्होंने टाटा से बोला अपनी गाड़ी और ये 5 स्टार रेटिंग्स लेते जाइए, फिलहाल हम जल्दी ही अपने क्रैश बैरियर को 10 स्टार लायक बनाएंगे, फिर आप आ जाइएगा तोड़ने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कुल मिलाकर हैरियर सफारी वैसे तो 10 स्टार लायक हैं, लेकिन ग्लोबल एनकैप वालों के पास लड़ाने के लिए मजबूत बैरियर ही नहीं है, इसीलिए फिलहाल 5 स्टार पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। उम्मीद है अगली बार से ग्लोबल एनकैप वाले टाटा स्टील से लोहा खरीद कर बैरियर में लगाएंगे। खैर भाई, आप समझ ही गए होंगे। हालांकि वैसे हैरियर और सफारी का न्यू एडिशन आ चुका है जिसमें कमाल के सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और जल्द ही इनका फेसलिफ्ट भी आने वाला है जिसमें फिल्टर की प्लेसिंग चेंज रहेगी ताकि इनका क्रैश टेस्ट किया जा सके। अभी तक किसी के वजह से गाड़ियों का क्रैश टेस्ट रुका हुआ है। जैसे ही ये प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाएगी तो उसके बाद टाटा मोटर्स के खाते में 2 और 5 स्टार वाली गाड़ियां जुड़ जाएंगी। आपको क्या लगता है हैरियर और सफारी कितनों के रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगी और सेफर कार्स के लिस्ट में इन्हें कौन सा पोजीशन मिल सकता है, कमेंट में बताइए।